कोड डिवॉर्मिंग से जुड़ी आज की सबसे बड़ी बातें जानना चाहते हैं क्या है, तो देखिए वीडियो बहुत कामयाबी और उपयोगी। नमस्कार दोस्तों, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। किसान मित्रों, आज हम बकरियों के डिवॉर्मिंग से जुड़ी बात समझने वाले हैं। मैं कई बार बता चुका हूं और समझा चुका हूं कि फिर भी कई बकरी पालक जो है जिन्हें समझ में नहीं आती है डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा, ये सभी जानते हैं। तो कुछ दवा का इस्तेमाल होता है जिसमें एल्बोमार ज़्यादा प्रचलन में है, जो एल्बेंडाजोल साल्ट की आती है, खाली बकरी और बकरे को अच्छा काम भी करती है और प्रेग्नेंट बकरी को फेलबेंडाजोल साल्ट वाली दी जाती है और पेनाकोर के नाम से आती है। वो बहुत अच्छी दवा है और उस अपना काम बखूबी करती भी है। ये दोनों दवा का बहुत ज़्यादा चलन भी है, हर पशुपालक इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो बच्चे में भी एल्बेंडाजोल और फेलबेंडाजोल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार और अच्छा करने के लिए हम बड़ों में निलजान को उपयोग में लेते हैं। हर बार हमें पेट के कीड़े मारने की दवा को बदल बदल कर देना रहता है। सुबह के समय जल्दी भूखे पेट दवा दी जाए तो रिजल्ट हमें भरपूर मिलता है। दवा देने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में तक कुछ खिलाना नहीं होता है, ये बातें सबको पता है। और डोज की बात करें तो 3 kg पर 1 ml दवा देनी होती है। लेकिन एक सवाल यहाँ बनती है कि पेट में कीड़े होने का सिम्टम नहीं होने पर क्या हम कीड़े की मेडिसिन दें या ना दें? क्या हमारा समय और पैसा का बचत की जा सकती है क्या? तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जब भी बकरियों के पेट में कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े अंदर पनपते हैं या फिर बाहर से आते हैं, 2 बातें होती हैं। पहले अंडे अंदर चले जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो अंदर कॉलोनी बनाते हैं और फिर अंदर बड़े से बड़े होते जाते हैं। एक बात हो गई, दूसरी बाहर से कीड़े जो है वो खाने के माध्यम से, दूषित पानी के माध्यम से वो कीड़े या उसके लार्वा या अंडे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये दोनों कारण होते हैं पेट में कीड़े पनपने के। इसी कारण कीड़े अंदर जाने के बाद किसी ना किसी अंग को प्रभावित करते ही करते हैं। तो जो कीड़े जिससे भी संबंधित है उस अंग को प्रभावित करेगा और जब उस अंग को प्रभावित करेगा तब जाके आपको लक्षण दिखाई देगा। तो कीड़े अंदर हैं, जब तक प्रभावी नहीं किया तब तक लक्षण नहीं दिखे। और किसान मित्रों, आप अगर लक्षण का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको बिना लक्षण दिखे ही हर 3 महीने से लेकर या बकरियों को कीड़े मारने की दवा यानी डिवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी है। यानी बिना लक्षण, कोई भी लक्षण नहीं है तब भी करवाना ज़रूरी है। और लक्षणों का इंतज़ार मत कीजिए और ये मान के चलिए कि पेट के कीड़े जिन्हें कहा जाता है वर्म्स इन्फेक्टेशन बकरे बकरियों में हमेशा होगा, चाहे वो कीड़े बाहर से आए उसके अंडे लार्वा या अंदर जो है वो पनपे, तो कीड़े तो पैदा होंगे ही होंगे। हम सब मनुष्य साफ सुथरा खाना खाते हैं तब कीड़े पनप जाते हैं। तो बकरियां तो ज़मीन से उठाती है, प्राकृतिक से लेती है, तो उसके पेट में कीड़े पनपने ही पनपने हैं। हाँ, लक्षण नहीं आया है तो बाद में आ जाएगा। अब यहाँ कई भाई कहेंगे कि हम तो करवाते ही नहीं हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई साहब। जितना भी आप खिलाते हो अंदर जो कीड़े बैठे हैं वो खा लेते हैं, तो ग्रोथ नहीं होगी। कीड़े पूरे पाचन तंत्र में मौजूद रहते हैं, तो बिना सिम्टम दिखाई
दिए ही आपको डिवार्मिंग करवानी ही करवानी पड़ेगी। इसके अलावा आप हमसे जुड़कर गोट फार्मिंग की A to Z ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ, तो डेमो क्लास भी देख सकते हैं आप टेलीग्राम पे जाके। जय हिंद।